पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस तापमान में पानी का घनत्व अधिकतम होता है? आपके ऑप्शन है ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस और जो डी है 273 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि तरंग के पर निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है ए आवृत्ति, बी तरंग दैर्ध्य, सी आयाम और जो डी है पीच। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी आयाम। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर पानी के क्वथनांक में कमी का कारण है। आपके ऑप्शन है ए उच्च तापमान, बी कम तापमान, सी उच्च वायुमंडलीय दबाव और जो डी है कम वायुमंडलीय दबाव। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी कम वायुमंडलीय दबाव। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी पिंड की जड़ता का जो क्षण इस प्रकार निर्भर नहीं करता है। आपके ऑप्शन ए रोटेशन की दूरी, बी जो है कोणीय वेग, सी द्रव्यमान का रूप और जो डी है घूर्णन के एस आई एस की स्थिति ए आई एस की स्थिति। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी कोणीय वेग। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन दोस्तों, धातु की शुद्धता निर्धारित करने के लिए कौन सी विधि लागू की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए बॉयल का नियम, बी पास्कल का नियम, सी आर्किमिडीज सिद्धांत और जो डी है न्यूटन का नियम। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी आर्किमिडीज सिद्धांत। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दहलीज फ्रिक्वेंसी को यानी आवृत्ति से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए वोल्टेज के साथ फोटो करंट घटता है, बी फोटो विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है, सी वोल्टेज के साथ फोटो करंट बढ़ता है और जो डी है फोटो करंट स्थिर रहता है। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी फोटो विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है दोस्तों, कंपन स्ट्रिंग के नियम का जो है अध्ययन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रोमीटर, बी हाइग्रोमीटर, सी सोनोमीटर और जो डी है इलेक्ट्रोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी सोनोमीटर। नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरे की तरंग दैर्ध्य को मापने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फ्रेमिंग स्क्वायर, बी स्पेक्ट्रोमीटर, सी मैनोमीटर और जो डी है SWR मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी स्पेक्ट्रोमीटर। नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोलिक प्रेस पर इस प्रकार पर निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है ए कुलाम का नियम, बी पास्कल का नियम, सी बॉयल का नियम और जो डी है बर्नौली का नियम बर्नौली का सिद्धांत। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी पास्कल का नियम। नेक्स्ट दसवां क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूटन के पहले नियम को इस रूप से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ए जड़ता का कानून, सॉरी दोस्तों जड़त्व का नियम, बी जो है घर्षण का नियम, सी क्षणों का नियम और जो डी है गति का नियम। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए जड़त्व का नियम। नेक्स्ट ग्यारहवां क्वेश्चन है दोस्तों, परमाणिक अर्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए टिंटोमीटर, बी टैकोमीटर, सी हाइग्रोमीटर और जो डी है थर्मामीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट बारहवां क्वेश्चन है दोस्तों, महासागर की गहराई को किसके द्वारा जो है मापा जाता है? आपके ऑप्शन है ए फैदोमीटर, बी ऑडियोमीटर, सी एक्टिनोमीटर और जो डी है बार्कोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए फैदोमीटर द्वारा जो है महासागरों की गहराइयों को मापा जाता है। नेक्स्ट तेरहवां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए लोड सेल,
बी लक्स मीटर, सी हेलियोमीटर और जो डी है इंकोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी लक्स मीटर। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, दूध के विशिष्ट गुरुत्व को किसके द्वारा मापा जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए एलायोमीटर, बी डोसीमीटर, सी लैक्टोमीटर और जो डी है ओडोमीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी लैक्टोमीटर। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर किसके साथ जो है काम करता है। आपके ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष वर्तमान, बी प्रत्यावर्ती धारा, सी एसी और डीसी दोनों, डी जो है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्लैंक नियतांक का जो है एसआई मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए जूल सेकेंड, बी जूल पर सेकेंड, सी जूल सेकेंड स्क्वायर और जो डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए जूल सेकेंड। नेक्स्ट 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। आपके ऑप्शन है ए एम्पियर, बी कूलम्ब, सी ओम और जो डी है केल्विन। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी कूलम्ब। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किस उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए एमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर और जो डी है वोल्ट मीटर। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, तारों का जो है रंग निर्भर करता है। आपके ऑप्शन है ए दूरी पर, बी तापमान पर, सी वायुमंडलीय दबाव या फिर डी वायु के जो है प्रदूषक। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी तापमान पर निर्भर करता है डिपेंड करता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्थिर तरंगे कैसे बनती हैं। आपके ऑप्शन है ए एक अनुप्रस्थ तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग को सुपरपोज करती है, बी जो है एक ही गति की दो तरंगे सुपरपोजिंग, सी जो है समान फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति की जो हो दो तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है और जो डी है समान आवृत्ति की दो तरंगे विपरीत दिशा में गमन करती है। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी समान फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति की दो तरंगे जो है विपरीत दिशा में जो है गमन करती है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक फिलामेंट प्रकार के प्रकाश वस्तु में खपत की जाने वाली अधिकांश विद्युत शक्ति इस प्रकार दिखाई देती है। आपके ऑप्शन है ए एलईडी लाइट, बी इंफ्रारेड किरणें, सी अल्ट्रा वायलेट किरणें और जो डी है फ्लोरोसेंट लाइट। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, डायोड के प्रयोग का उद्देश्य है। आपके ऑप्शन है ए प्रवर्धन, बी शुद्धि, सी मॉडुलन और जो डी है डी मॉडुलेशन। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी शुद्धि। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए जाने वाले रॉकेट का न्यूनतम पलायन वेग क्या है। आपके ऑप्शन है ए 4 किलोमीटर पर सेकेंड, बी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, सी 11 किलोमीटर पर सेकेंड और जो डी है 13 किलोमीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया। आपके ऑप्शन है ए गैलीलियो ने, बी नोल और रूस्का ने, सी रॉबर्ट कोच ने और जो डी है लियुइन हुक ने। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी नोल और रूस्का ने। नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है दोस्तों, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्ध्य क्या है। आपके ऑप्शन है ए 1300 एंगस्ट्रोम से जो है 3000 एंगस्ट्रोम तक, बी जो है 3900 एंगस्ट्रोम से 7600 एंगस्ट्रोम तक, सी जो है 7800 एंगस्ट्रोम से 8000 एंगस्ट्रोम तक और जो डी है 8500 एंगस्ट्रोम से 9800 एंगस्ट्रोम तक। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी
3900 एंगस्ट्रोम से 7600 एंगस्ट्रोम तक। नेक्स्ट 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, डेसिबल इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए प्रकाश की गति, बी गर्मी की तीव्रता, सी ध्वनि की तीव्रता और जो डी है रेडियो तरंग फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है किया जाता है। नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो प्रसारण में मदद करती है। आपके ऑप्शन है ए ओजोन मंडल, बी आयन मंडल, सी समताप मंडल और जो डी है मेसोस्फीयर। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी आयन मंडल। नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, किलोवाट घंटा इकाई का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। आपके ऑप्शन है ए शक्ति, बी ऊर्जा, सी इलेक्ट्रिक चार्ज और जो डी है विद्युत प्रवाहक। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी ऊर्जा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्री खोल का सुनहरा दृश्य किसके कारण होता है। आपके ऑप्शन है ए विवर्तन, बी प्रतिबिंब, सी अपवर्तन और जो डी है ध्रुवीकरण। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी ध्रुवीकरण। नेक्स्ट 30वां क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडलीय में वृद्धि के कारण होता है। आपके ऑप्शन है ए ओजोन, ओजोन बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और जो डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। Everything look better with a view. Like I was in a mind, fucking around out your brain. I ain't tryna tell you what to do, but tryna play cool. Baby, I ain't playing what you.